बरकट्टा से निर्दलीय विधायक अमित यादव हमारे साथ हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि आज एक बार फिर से ये बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, एक बार फिर से बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, और जिस तरीके से पहले भी आप बीजेपी में शामिल थे, क्या कुछ चीजें अभी फिलहाल आप देख रहे हैं? देखिए, हम लोग किसी कारण परिस्थिति से जब 2019 में हमें टिकट नहीं मिला, हमारे पास बहुत सारी पार्टियों का ऑफर आया, जेएमएम का, आरजेडी का, कांग्रेस का, आसू का, सभी पार्टियों का ऑफर आया, लेकिन हमारे संस्कार में भारतीय जनता पार्टी था, है, आज भी है, पहले भी था, और सभी कार्यकर्ता का भी, हम लोग का संस्कार भारतीय जनता पार्टी का था। क्षेत्र के लोगों का भी कहना था कि हम लोग किसी दल में नहीं जा करके हम लोग इंडिपेंडेंट लड़े और हम लोग पार्टी का सेवा ही करें। तो हम लोग चुनाव जीतने के बाद हम लोग लगातार 5 वर्षों तक पार्टी का ही सेवा किए, और आज एक फॉर्मेलिटीज है, फॉर्मेलिटीज के तहत आज हम लोग पार्टी में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। सर, एक सवाल है, क्योंकि चुनाव से पहले आप एक बार फिर से बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, कई सारे राजनीतिक आशंकाएं इससे लगाई जा रही हैं कि चुनाव से पहले आप पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत फायदा जो है वो बीजेपी को मिलेगा इससे। देखिये, मैंने पहले कहा कि पार्टी में तो हम लोग पहले से थे, बीच में किसी कारण से हमें टिकट नहीं मिला, तो फिर भी हम लोग पार्टी के साथ ही रहे, और निश्चित रूप से कार्यकर्ता होने के नाते 5 सालों तक मैं लगातार पार्टी का ही सेवा किया, और आने वाले दिनों में भी पार्टी का सेवा करेंगे। इसमें फायदा और नुकसान का कोई मामला नहीं है। अभी आप सारी वर्तमान स्थिति को कैसे देखते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, क्या कुछ चीजें रहने वाली है इसमें? देखिए, जो कुकर्म है इस सरकार की, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, हेमंत सोरेन परिवार का जो कुकर्म है पूरे राज्य में, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है, हमारे युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं, आज करप्शन इस कदर है कि मंत्री के नौकर के घर से करोड़ों रुपया मिलता है, जितना बैंक में भी आपने देखे होंगे। तो ये आलम है, आज बालू चोरी, कोयला चोरी, पूरे झारखंड के मिनरल्स को चोरी जिस प्रकार से हो रहा है, ये तो रिकॉर्ड बनता जा रहा है, अपने आप में रिकॉर्ड बनता जा रहा है। तो ये मतलब स्वाभाविक है कि जनता इसे त्रस्त आ गया। आप पूरे राज्य में जाके देखे, ट्रांसफर पोस्टिंग का एक बड़ा सा उद्योग चल रहा है, पैसे दीजिए फलना जगह वीडियो का पोस्टिंग, पैसे दीजिए सीओ का पोस्टिंग, पैसे दीजिए डीएसपी का पोस्टिंग, तो एक बड़ा उद्योग चल रहा है। और राज्य में इतना अराजकता, आप किसी भी प्रखंड मुख्यालय में आप चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको ये जवाब मिलेगा, आप पत्रकार है तो आप अपने समझिए, मेरा जो भी करना होगा आप जाके मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो सीधा जो मुख्यमंत्री को जाके पैसे दे करके पोस्टिंग करेगा, वो किससे डरेगा? आज कोई किसी से डर नहीं रहा है, क्राइम थाने के बगल में हो रहा है, हमारी बहनों का इज्जत थाने के बगल में लूटा जा रहा है। तो ये राज्य, ऐसा राज्य का कल्पना झारखंड वासी ने देखे थे? आज सबसे ज्यादा आदिवासियों का शोषण हो रहा है, आज बांग्लादेशी पूरे संथाल में घुस गए हैं, वहां का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। तो ये झारखंड के लिए कल्पना हम लोगों ने नहीं किया था। एक आखिरी सवाल रहेगा, 2019 में आपको टिकट नहीं मिला था, तो आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया, अब अगर फिर से अगर ऐसी परिस्थिति बनती है 2024 में, तो क्या एक बार फिर से वही तस्वीर हम लोगों को देखने को मिलेगी? ऐसा अभी कुछ नहीं है, हम लोग कोई टिकट का प्रस्ताव देकर के पार्टी में हम लोग शामिल नहीं हो रहे, पार्टी के हम लोग सेवक हैं, पार्टी के आदेश पे आज हम फिर शामिल हो रहे हैं। पार्टी अगर लड़ाना चाहती है तो लड़ाएगी, नहीं भी लड़ना चाहती तब भी हम पार्टी की तरह, कार्यकर्ता की तरह सेवा करते रहेंगे। देखिए, तो ये थे हमारे साथ अमित यादव, जिन्होंने कहा कि बरकट्ठा में जिस तरीके से चीजें रहेगी, पार्टी अगर आदेश करेगी तो वो जरूर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ऐसी कोई भी चीजें टिकट को लेकर के नहीं है। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही, सहयोगी सुशील के साथ मैं पूजा दुबे, 99 न्यूज रांची।